हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आर्या गेम्स। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के चैप्टर्स लाइक अल्टरनेटर, फिर आपका सिंक्रोनस मोटर, देन आपका जो है एमजी सेट, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट, इन सब को मिला करके टोटल हम लोग जो है आज के सेशन में 40-50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका सीबीटी एग्जाम हो आईटीआई का, या फिर आपका अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक रेलवे, एएमपी, इसरो, भेल, सेल, गेल, जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी में ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो गाइस, चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले जो वीडियोज हैं, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं सेकेंड ईयर का, लाइक जैसे डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंगल फेज एसी मोटर और थ्री फेज एसी मोटर, तो इन सब का वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के दे दीजिएगा। तो गाइस, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 153। तो गाइस देखिए, 153 क्या करता है, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ पर फेज इन ए आइडियल अल्टरनेटर। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ पर फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो गाइस, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ई इज इक्वल टू 4.445 FP। ठीक है, तो एक आइडियल अल्टरनेटर में जो आप ईएमएफ पर फेज जो निकाल पाइएगा वो क्या हो जाएगा, 4.445 FP। ये आपका ट्रांसफार्मर का भी जो फॉर्मूला होता है इसी तरह से यही होता है इस तरह से। तो चलिए, खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 254। विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए कौन सा जो है रूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, ईएमएफ फाइंड करने के लिए, ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए आपको लगाना होगा राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए, 255 नंबर कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर, ये कौन सा पार्ट है अल्टरनेटर का। तो गाइस, 255 का राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट पोल रोटर, साइलेंट पोल रोटर है ये, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ये हो गया, आप देख रहे हैं, और यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी क्या है, 4.44 KD KC FT5M। यहाँ देखिए फॉर्मूला मिलता जुलता, लेकिन यहाँ F छोड़ दिया गया है, ठीक है, F यहाँ छोड़ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखे होंगे 4.44 5 FT, ठीक है ना, 5 FT। यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट्स आए हुए हैं, KD और KC आया हुआ है, और ये आपका EMF पर फेज आइडियल का बात कर रहे थे यहाँ पे, और ये जो है अल्टरनेटर का, है ना, वो आइडियल अल्टरनेटर, ये जो है सिर्फ अल्टरनेटर। तो समझ गए आप लोग को FT5M लगाना पड़ेगा, जहाँ की फाइव क्या है, फ्लक्स है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 257, हाउ अल्टरनेटर आर ट्रीटेड, अल्टरनेटर को कैसे जो है आप रेटिंग करते हैं, रेटिंग कैसे किया जाता है अल्टरनेटर का। तो गाइस, इसको हम लोग रेटिंग करते हैं KVA, ठीक है, कैसे करते हैं KVA। अल्टरनेटर को आप मोटा मोटी ट्रांसफार्मर जैसा ही समझिए ना, ट्रांसफार्मर का भी ट्रांसफार्मर इक्वेशन के तरह से ही होता है, और उनका भी रेटिंग KVA नहीं किया जाता है। तो गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन 258, व्हिच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे हम लोग किस फॉर्मूला से करते हैं, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय नो लोड इनटू 100। तो नो लोड जो है पहले रहेगा, और फुल लोड जो है बाद में आएगा माइनस के टर्म में, उसको हम लोग माइनस करेंगे फुल लोड, नो लोड। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर एवरी 6 पोल रन एट 1000 RPM। तो गाइस, इसको बना लीजिए, ये जो है आपका n जो होता है, n इज इक्वल टू 120 f/T होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वैल्यूज को रख दीजिएगा, 6 पोल यहाँ 6 रख देंगे, टी की जगह यहाँ 6 रख देंगे, ठीक है, फिर यहाँ f का जगह रख दीजिएगा क्या 50 रख दीजिएगा, 60 Hz होता है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है क्या है, फाइंड द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हालांकि यहाँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी पूछ ही दिया गया, तो f को रहने दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, और 120 तो है, और RPM जो है यहाँ पे n का जगह हम लोग ले लेंगे 1000।
तो भाई कैसे बनेगा ये, देख लीजिए 1000, ठीक है 1000, ये जो 6 है कहाँ गया, ये ऊपर चल जाएगा इंटू 6, और ये जो 120 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 6 से कट गया ये दो बार में, मतलब 20 बार में। अब ये इसको यहाँ से कटा दिए और ये यहाँ से कट गया, कितना आ गया आंसर 50, ठीक है 50 खर्च विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग टू पोल्स एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। यहाँ स्पीड निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिएगा 120 f/t से, 120 f/t, f का मान यहाँ रख दीजिएगा 50, अब t का मान रख दीजिएगा यहाँ पे 2, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 56 समथिंग ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 3000 rpm, ठीक है 260 का हो जाएगा सी। 261 नंबर देखिए, 261 नंबर कहता है कि व्हाट कंडीशन द लैंप बिकम डार्क इन डार्क लैंप मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर। किस कंडीशन में जो है लैंप जो है काला हो जाएगा, ठीक है लैंप डार्क लैंप मेथड में एक टेस्टिंग है, ठीक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर का। तो जब कब हो जाएगा डार्क, जब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों इक्वल हो, जब वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों इक्वल होगा उस टाइम में वो डार्क हो जाएगा। 262 देखिए, ओके 262 राइट करता है कि हाउ द कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर। हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को आप कैसे कंपनसेट कर पाइएगा जो कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है जिसमें अल्टरनेटर। तो गाइस 262 का जो राइट आंसर जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा, हो जाएगा इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन फील्ड, ठीक है इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करेंट। तो फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करके जो है आप कंपनसेट कर पाइएगा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को, ठीक है। तो फील्ड एक्साइटेशन करेंट को बढ़ा करके। अगला क्वेश्चन, व्हाट द यूज ऑफ सिंक्रोनोस्कोप। सिंक्रोनोस्कोप का जो है यूज पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 263, ओके हो जाएगा इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेलिंग, मतलब समानता के लिए सही तुरंत संकेत देता है। तो करेक्ट इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेलिंग, तो सिंक्रोनोस्कोप का ये काम है कि जो पैरेलल ऑपरेशन होता है, ठीक है लाइक दो अल्टरनेटर को पैरेलल जब चलाया जाएगा, सिंक्रोनस करना है, सिंक्रोनाइज करना दोनों का, यानी जो पैरेलल ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए ये इंडिकेशन बताता है। 264 अगला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड डीसी टू रोटर ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है, ठीक है तो उपकरण का नाम पूछा गया है जो कि डीसी प्रोवाइड करता है रोटर के रोटर में, ठीक है अल्टरनेटर के रोटर में डीसी प्रोवाइड करता है। 264 राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए एक्साइटर। क्या हो जाएगा, एक्साइटर जो होता है वो डीसी करंट जो है प्रोवाइड करता है अल्टरनेटर के रोटर में। 265 व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर, ठीक है अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, तो क्या हो जाएगा रिड्यूसेस द हंटिंग इफेक्ट। हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए जो है हमको यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 266, विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। पैरेलल ऑपरेशन करने के पहले कौन सा सेटिस्फैक्शन, कौन सा जो कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है समानांतर संचालन के लिए। तो गाइस राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कहता है फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। फेज सीक्वेंस बहुत ही जरूरी चीज होता है, जब तक फेज सीक्वेंस में नहीं होगा तब तक आप रन नहीं करा सकते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर कनेक्टेड विद सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एट रेटेड वोल्टेज हैविंग 4 पोल्स। तो यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना है, सिंपल है आप सॉल्व कर लीजिएगा, एन इक्वल 120 f/t सॉल्व कर लीजिएगा,
आंसर हम बता देते हैं तो इसका आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1500 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा था आपका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन चैप्टर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 268, व्हाट कंडीशन टू लैंप बिकम ब्राइट एंड वन लैंप डार्क ड्यूरिंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर। दो अल्टरनेटर जो है यदि पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो डार्क लैंप मेथड में, ये डार्क लैंप मेथड है, उसमें कौन सा क्या कंडीशन जो है के कारण जो है जो लैंप है वो ब्राइट हो जाएगा, ठीक है, लैंप क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो 268 का राइट आंसर क्या होगा, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल जब होंगे उस टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि व्हाट कंडीशन द टू लैंप बिकम्स ब्राइट एंड वन लैंप डार्क ड्यूरिंग पैरेललिंग ऑफ टू अल्टरनेटर्स, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, दो लैंप जो है ब्राइट होगा और एक लैंप क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो कब, किस कंडीशन में, जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, समझ गए। तो गाइस ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 269, व्हाट कॉजेस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूसेस इफ लोड इंक्रीजेस। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। तो कॉज क्या है, रीजन क्या है कि भार बढ़ने से जो लोड है, लोड की यदि बढ़ता है तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो 269 राइट आंसर इज आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, सॉरी। तो 269 राइट आंसर विल बी आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 270, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग इन एसी जनरेटर। डैम्पर वाइंडिंग्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है एसी जनरेटर। तो गाइज इसलिए किया जाता है ताकि हंटिंग इफेक्ट को रोका जा सके, ठीक है। याद रखिएगा, एसी जनरेटर्स या अल्टरनेटर, ठीक है, उसमें हम लोग का जो है इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो है हंटिंग इफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। अब ये टाइप ऑफ अल्टरनेटर पूछा गया, किस तरह से, किस टाइप का ये अल्टरनेटर है, तो ये है ब्रशलेस अल्टरनेटर। क्या है ये, ब्रशलेस अल्टरनेटर। अगला क्वेश्चन 272, कैलकुलेट द स्पीड वेयर आर आर इन आरपीएस। ये आरपीएम नहीं है, यहाँ आरपीएस दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा कन्वर्शन करना पड़ जाएगा आप लोगों को। पोल दिया हुआ है और हर्ज दिया हुआ है, तो 120 एफ बाय पी तो होता है फॉर्मूला, तो 120, ठीक है, एफ का मान हो गया आपका 50, आप पी का मान हो गया नीचे 2। इसको सॉल्व आउट जब कीजिएगा तो ये कट के हो जाएगा 6, मतलब 60, और इधर हो गया 50, मतलब 3000, ठीक है। 3000 जो है ये क्या आ रहा है, आरपीएम में आ रहा है, ठीक है, आरपीएम। बट कितना आया, 3000 ये आरपीएम हो गया, लेकिन अभी मिनट, यहाँ एम क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये पर मिनट है ना, तो मिनट को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, ओके। दैट मीन्स कि इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे, इसका मतलब हुआ कि एक मिनट में, ठीक है, कितना आरपीएम हो रहा है भाई, कितना बार ये घूम रहा है, ठीक है, 3000 बार घूम रहा है, यही ना हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो ये एक मिनट में इतना घूमा, तो यहाँ पे आपको एक सेकंड में निकालना है, इसका मतलब कितना, 60 सेकंड इसको ले सकते हैं ना, 60 सेकंड में, एक मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में इतना कितना घूमेगा, तो एक सेकंड में कितना घूमेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 3000 और डिवाइडेड बाय 60, सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये कट गया, आइए 6 5 3 कितना आ गया 50, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 50 आरपीएस। अगला क्वेश्चन 273, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है, ठीक है, तो भाई क्या फायदा है बताइए, ऑप्शन नंबर चल जाएगा डी। देखिए, टू स्लिप रिंग आर रिक्वायर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस,
और इसमें क्या होगा कि दो ही आपको जो है स्लिप रिंग का जरूरत पड़ेगा, चाहे आपको जो है फेस कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टर का ये एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 274, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट इन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर जो है यदि मान लेते हैं अल्टरनेटर है, ठीक है, तो अल्टरनेटिव फील्ड का उत्तेजना आप बढ़ाते हैं, मतलब फील्ड एक्साइटेशन का जो धारा है, जो करंट है, उसको बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, 274 का राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट्स डीमैग्नेटाइजिंग, तो विचलन को रोकेगा ये। ठीक है, यदि आपने फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ा दिया तो ये डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को ये करेगा, प्रिवेंट करेगा डीमैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है, केपी निकालना है पिच फैक्टर, ठीक है, फॉर वाइंडिंग हैविंग 30 स्टार्टर स्लॉट 4 पोल एंड यहाँ देखिए एंगल दिया है 30 डिग्री इन अल्टरनेटर। पिच फैक्टर बोल रहा है निकालने के लिए, जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको आंसर बता देता हूँ। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा 0.965, ओके 0.965, 275। अगला क्वेश्चन नंबर 276, व्हाट इज द कॉज ऑफ हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर, क्या रीजन है हंटिंग इफेक्ट का। ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड, लोड्स में जो वेरिएशन आता है उसके कारण जो है ये फ्लक्चुएशन के कारण जो है हंटिंग इफेक्ट होता है। कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज इफ लोड इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्टरनेटर एंड वोल्टेज राइज फ्रॉम दिस टू दिस। 480 से कहाँ चल गया लोड जो है, वोल्टेज राइज कर गया कहाँ, 660 तक चले गया। तो गाइस इसका वोल्टेज रेगुलेशन आप लोगों को सॉल्व कीजिएगा, लेकिन इसको ऐसे बना लीजिएगा, क्या होता है फॉर्मूला पहले बताए थे, नो लोड, ठीक है, नो लोड माइनस फुल लोड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नो लोड। ओके, तो यहाँ पे अभी आप क्या कीजिए कि इन दोनों को घटा लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय नो लोड इनटू 100 वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना है। तो नो लोड का वैल्यू वही हो जाएगा, देखिए कितना है यहाँ, 480 से हो गया है 660। तो नो लोड पे कितना था, 480 था, 80 माइनस 660, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, नो लोड 480 अगुना 100। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है, कितना वैल्यू आप लोग को दे देगा, जो कि मिल जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 277 नंबर का आंसर हो गया गाइस सी नंबर। तो ये अल्टरनेटर का जो पार्ट है ये खत्म हो रहा है गाइस यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेटर। अब इसके बाद हम लोग जो है शुरू कर लेते हैं सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट, इसके भी कुछ 20 क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट का। इसको अलग से करा सकते थे, फिर बहुत छोटा छोटा सा वीडियो होता है, इसलिए से अलग से इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ये आपका जो है चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या इसमें पूछा गया है। 278, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर, इस कन्वर्टर का नाम आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, SCR, क्या होता है SCR, ठीक है, आप जहाँ सुने होंगे नाम SCR, तो क्या हो जाएगा सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर। चलिए 279, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर, अब इस कन्वर्टर का नाम आपसे पूछा गया, इससे देखिए क्वेश्चन जरूर बनते हैं, एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाता है, तो ये क्या होगा रोटेटरी कन्वर्टर, ठीक है, ये क्या है रोटेटरी कन्वर्टर, ये हो गया SCR। चलिए नेक्स्ट 280, व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी सप्लाई क्यों जरूरी होता है, ताकि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाया जा सके, टू रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, इस कारण। क्वेश्चन नंबर अगला 281, विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, ठीक है, दोनों काम करता है, इन्वर्टर भी और कन्वर्टर भी, क्या हो जाएगा सिंक्रोनस कन्वर्टर, क्या होगा सिंक्रोनस कन्वर्टर,
ये आपका इन्वर्टर का भी काम करता है और कन्वर्टर का भी काम करता है। फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर का आपसे फंक्शन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी है, सबको पता भी होना चाहिए क्या काम होता है इन्वर्टर का। घर में भी यूज होता है, एसी को किस बदलेगा, वो डीसी बदलता है इन्वर्टर, ठीक है, एसी को सॉरी डीसी को एसी में, और यही रेक्टिफायर रहता है, तो रेक्टिफायर रहता है एसी टू डीसी, समझे, एसी टू डीसी। क्वेश्चन नंबर अगला 283, विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, ठीक है, कौन सा कन्वर्टिंग डिवाइस को आप ओवरलोड कर सकते हैं, उसमें लोड दे सकते हैं पूरा, ठीक है, तो गाइस क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर यूनिट, रेक्टिफायर यूनिट जो है इसमें, ये एक कन्वर्टिंग डिवाइस है, जाहिर सी बात है, कैसे, क्योंकि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी टू डीसी करना, हाँ, तो इसमें आप ओवरलोड किया जा सकता है रेक्टिफायर में। अगला क्वेश्चन 284, विच एक्साइटर इज एसेंशियल टू रन ए सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को रन करने के लिए किस तरह के एक्साइटर का क्यों जरूरत पड़ता है, ठीक है, मैंने बताया ना सिंक्रोनस मोटर को रन करने के लिए एक्साइटर चाहिए, तो क्यों जरूरी है, ओके, तो 284 राइट आंसर विल बी रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, यही क्वेश्चन था अभी ना, देखिए टू रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, तो सेम ही क्वेश्चन देखिए अलग अलग फॉर्म में पूछ दिया गया कि डीसी व्हाई डीसी इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन, व्हाई एक्साइटर इज एसेंशियल फॉर रन टू रन ए सिंक्रोनस मोटर, सेम ही चीज है। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए हिंदी में भी है, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा 25, व्हिच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी, डीसी ही जरूरत है उसको, कौन सा ऑपरेशन में, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम लोग करते हैं ना विद्युत लेपन, उसमें सिर्फ डीसी का इस्तेमाल किया जाता है। 286, व्हाई द एलईडी आर अवॉइडेड एज ए कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड, एलईडी जो है एक प्रकार का रेक्टिफायर, मतलब डायोड ही होता है रेक्टिफायर डायोड, तो उसका हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं कन्वर्टर्स के रूप में, ठीक है, तो गाइस इसलिए ऐसा नहीं करते क्योंकि वो क्या है, लो पावर डिवाइस है, क्योंकि एलईडी क्या है, वेरी लो पावर डिवाइस है, वो जो है बहुत ही कम अति में काम करता है, मतलब अगर कम वोल्टेज में काम करता है, देखे होंगे आप लोग कि एलईडी जो बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, बहुत कम पावर लेता है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 287, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का मेन एप्लीकेशन बोला गया है तो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस होता है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर जो है मेनली जो यूज होता है ना वो आपका पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के फॉर्म में यूज होता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट का क्वेश्चन आ रहा है एमजी सेट का, ठीक है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, जो भी डीसी आउटपुट वोल्टेज जो हमको निकलेगा, ठीक है, एमजी सेट का मतलब क्या होगा, मोटर जनरेटर सेट, तो जनरेटर जो मेनली उसमें यूज होता है डीसी होता है, ठीक है, तो उससे जो वोल्टेज हमको प्राप्त होगा उसको आप इजीली कंट्रोल कर पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 289, तो गाइस 289 देखिए पूछा गया एक्स जो है रोटेटरी कन्वर्टर, इसमें एक्स का वैल्यू पूछा गया, ये क्या है, हाँ ये क्या है ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आउटपुट का हिस्सा है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे जो ख्याल से ये हो जाएगा कन्वर्ट एसी टू डीसी वाला पार्ट इस जगह पे होगा, ठीक है, जिन्हें कम्यूटेटर सिस्टम लग रहा है, तो यहाँ पे कन्वर्ट एसी टू डीसी होगा, कन्फर्म देख लीजिएगा इसको। खैर चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 290, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब डैम्पर वाइंडिंग का क्या पर्पस होता है, ठीक है, क्या उद्देश्य होता है सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्ट करने में सिंक्रोनस मोटर को जो है डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, टू प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड, हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ताकि कांस्टेंट स्पीड को बरकरार रखा जा सके। व्हाई द सिंक्रोनस मोटर फेल टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे गति क्यों नहीं चल पा रहा है, क्यों नहीं चलता, क्या रीजन हो सकता है, हो जाएगा इनसफिशियंट एक्साइटेशन, एक्साइटेशन जो है उसका इनसफिशियंट है इस वजह से। अगला क्वेश्चन
292 how the synchronous motor is used as synchronous condenser. Synchronous motor का synchronous condenser के जैसा इस्तेमाल कैसे कर पाइएगा भाई? तो हो जाएगा वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन. रोटर का जो एक्साइटेशन है उसको वेरी करके आप कंडेंसर के जैसा यूज कर लीजिएगा. 293 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर. डैम्पर वाइंडिंग्स का क्या फंक्शन है सिंक्रोनस मोटर में? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर. ये क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा. स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करने के काम में आता है डैम्पर वाइंडिंग का काम. अगला क्वेश्चन है विच कन्वर्टर is having high efficiency. कौन से कन्वर्टर का बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होता है? तो FCR कन्वर्टर जो होते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. 295 how synchronous motor works as a power factor correction. किस तरह से जो है पावर फैक्टर करेक्शन के जैसा काम करता है सिंक्रोनस मोटर. 295 राइट. और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन. फील्ड उत्तेजना में बदलाव. ठीक है, तो फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करके आप पावर फैक्टर करेक्शन जो है कर सकते हैं. ठीक है, यदि लैगिंग आ रहा है वोल्टेज आपका, तो लीडिंग करने के लिए ठीक है आप लोग को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सिंक्रोनस मोटर का. सिंक्रोनस मोटर का जो है पावर फैक्टर कैसे करेक्शन होगा? फील्ड एक्साइटेशन जो है उसको वेरी करके आप उन चीजों को चेंज कर सकते हैं. वेरिंग द फील्ड रोटर एक्साइटेशन, यही क्वेश्चन था, है ना. हाउ सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड एज सिंक्रोनस कंडेंसर. सिंक्रोनस कंडेंसर मतलब क्या हुआ? पावर फैक्टर अप्रोक्स नियर बाय वन लाने का जो होगा वो कैपेसिटी वैल्यूज में आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन. यहाँ भी वही चीज है. तो गाइज ये जो क्वेश्चन थे सारे आपका मैंने करा दिया है दोनों चैप्टर सिंक्रोनस मोटर एंड MG सेट और इधर जो है अल्टरनेटर का. ओके, तो होपफुली गाइस आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और देख रहे होंगे आपकी जो ये चैप्टर है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है छू लिया जा रहा है. ये जो बहुत मतलब कि अच्छे से प्रिपेयर्ड जो है ये PDF है, तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस भी हुआ होगा और ये क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं सब जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही होगा. तो होप गाइस कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी. तो वीडियो को आप लोग जो है ध्यान से सुने होंगे, कुछ भी अच्छा लगा वो सीख पाए हैं, तो जाते जाते वीडियो को जरूर एक लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू है तो, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा जिनका एग्जाम है उनको. थैंक यू गाइस.